हज की तैयारी क्विज़ नंबर आठ मौजू है हज पार्ट टू गूगल फॉर्म के ज़रिए इस क्विज़ को ख़ुद से सॉल्व करने के लिए इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक मौजूद है उसमें जाकर इस क्विज़ का लिंक देखा जा सकता है इसके अलावा वजारत की वेबसाइट पर भी क्विज़ का लिंक मिल जाएगा आइए बिना वक्त ज़ाया किए वीडियो की तरफ़ बसमल असलकुम सवाल नंबर एक हज के तीन फरज़ हैं इन तीनों का तरतीब और अदा करना और हर फर्ज को उसके मखसूस वक़्त और मकान में करना मकरू है वाजिब है सुन्नत है या मुस्तहब है सही जवाब है वाजिब है हज के तीन फरज़ एहराम वकूफ़ अरफा और तवाफ़ ज्यारा इनमें से कोई भी अगर रह गया तो हज ही नहीं होगा हज उमरा से मुलिक हर टॉपिक पर अलग अलग वीडियोस भी इसी चैनल पर पहले से मौजूद हैं सवाल नंबर दो हालत अहराम में तकिए पर मुँह के बल लेठना जायज़ ममनु है, है मकरू है या सुन्नत है सही जवाब है मकरू है सवाल नंबर तीन हालत अहराम में सर या रुखसार का तकिए रखना जायज़ ममनु है, है मकरू है या सुनत है सही जवाब है जायज़ है सवाल नंबर चार हालत अहराम में मसाइल और दीनी अमूर पर गुफ्तू करना ममनू है जायज़ है अफजल है या मकरू है सही जवाब है अफजल है सवाल नंबर पाँच मस्जिद खैफ़ कहाँ वाक़ है मिना में मुजल्फा में अरफात में या मदीना में सही जवाब है मिना में सवाल नंबर छः मस्जिद नमीरा कहाँ वाक़ है मिना में मुजल्फा में अरफात में या मदीना में सही जवाब है अरफात में सवाल नंबर सात तवाफ कुलदम सुन्नत है हज तमतों में हज अफराद और हजर तमतों में हज किरान और हजर अफराद में या हज किरान और हज तमतों में सही जवाब है हज किरान और हज अफराद में सवाल नंबर आठ योम अरफा कहते हैं आठ झलजा को नौ ल को दस ज़ीज़ा को या ग्यारह लॉ को सही जवाब है नौ ल को सवाल नंबर नौ हजत आमतों करने वालों के लिए पहले उमरे के बाद और हज के दरमियान मजीद उम्र करना वाजिब है ममनू है जायज़ है या इनमें से कोई नहीं सही जवाब है जायज़ है हजत आमतों वाले हज से पहले जितने चाहे उम्र कर सकते हैं सवाल नंबर दस वकूफ़ अरफा पे नौजिलहजा की गुरुब आफ्ताब तक मैदान अरफात में ठहरना फर्ज है वाजिब है सुन्नत है या नफिल है सही जवाब है वाजिब है अगर कोई हाजी ग्रूब आफ्ताब से पहले की से निकल जाएगा, तो दम वाजिब होगा। हाँ, आफताब तक रहेगा तो तकबीरात तशरी किसे कहते हैं ला है के को सुबह अल्लाह के जिक्र को लब्बल को याह अकबर अल्लाह अकबर लाई ला व्लाकबर अल्लाह अकबर वाह को सही जवाब है अल्लाकबर अकबर, लाल्ला अकबर अकबर, अल्लाकबर वल्मद को सवाल नंबर बारह हाजी को तकबीरत तशरीक कब पढ़नी है अहराम बांधने से लेकर दस लजा की रमी तक आठ झलहज़ाहा की फ़जर से तेरह ल की असर तक नौ जा की फ़जर से तेरह जा की असर तक या दस जा की रमी से तेरह जा की असर तक सही जवाब है नौ जिलहजा की फजर से तेरह जिलहजा की असर तक सवाल नंबर तेरह हज और उम्र के अहराम की हालत में खातिन के लिए चेहरे पर कपड़ा लगाना मना है तो क्या पर्दा करना भी माफ है उम्रा में माफ है हज में माफ है दोनों में माफ है या दोनों में माफ नहीं सही जवाब है दोनों में माफ नहीं सवाल नंबर चौदह हज का रुकन आज़म कौन सा है सही वक्ूफ़ मुजल्फा वकूफ़ अरफात या तवाफ़े विदा सही जवाब है वकूफ़ अरफात सवाल नंबर पंद्रह मक्का मुकरमा में मुस्तकिल रहने वाले कौन सा हज करते हैं हज अफ़राद हज तमतो हज किरान या इनमें से हर एक सही जवाब है हज अफ़राद। सवाल नंबर सोलह आठ ज़िलह को मक्का मुकरमा से मिना रवानगी का मसनून वक्त कौन सा है फजर की नमाज से पहले फजर की नमाज के फौरी बाद सूरज निकलने के बाद या जवाल के बाद सही जवाब है सूरज निकलने के बाद सवाल नंबर सत्रह अगर इंतज़ामिया सात हजा की रात के वक्त मिना ले जाना चाहे तो हज खराब हो जाएगा दम लाजिम होगा इनसे ताउन करना चाहिए या हरगज नहीं जाना चाहिए सही जवाब है इनसे ताउन करना चाहिए सवाल नंबर अठारह नौ हज़ा को अरफात के लिए रवाना होने का मसनून वक्त कौन सा है तज़द के वक्त फजर नमाज के फौरी बाद सूरज तुलु होने के बाद या जवाल के बाद सही जवाब है सूरज तुलु होने के बाद सवाल नंबर उन्नीस वकूफ़ अरफा का वक्त नौ झलहजा की जवाल से दस जा की फजर तक नौ झलहजा की जवाल से नौ जा की गुरूब आफ्ताब तक नौ जा की सुबह सादिक से दस जा की सुबह सादिक तक या नौ हजा की जवाल से रात के बारह बजे तक सही जवाब है नौ जिलहजा की जवाल से दस जिलहजा की तुलुए फ़जर तक अरबी लगत में वक़ूफ़ के मायने हैं ठहरना और हज के अहकाम में इससे मुराद नौ जिलहजा को जवाल आफ्ताब से दस जिलहजा की सुबह सादिक होने से ज़रा पहले तक अरफात के मैदान के किसी हिस्से में किसी वक्त भी क़्याम करना यही वकूफ़ अरफात हज का सबसे बड़ा रुकन है और इसके बगैर हज नहीं होता सवाल नंबर बीस वकूफ़ अरफा के लिए हैज और नफास से पाकी लाजमी है मक़रूह है लाजमी नहीं या इन में से कोई नहीं सही जवाब है लाजमी नहीं अगर कोई औरत हैज़ या नफास की वजह से नापाकी की हालत में है तो इस हालत में भी वकूफ़ अरफात दुरुस्त हो जाएगा फॉर्म को सबमिट कीजिए अपना स्कोर देखिए और जहाँ जहाँ गलती है वहाँ असलाह कर लीजिए हज उमरा पर जाने से पहले तमाम अरकान और वाजिबात, फ़राइज वग़ैरह को अच्छी तरह से समझ के जाना चाहिए दूसरी सूरत में दम का सामना भी हो सकता है और अगर फ़राइज़ की कोताही हो गई तो हज उमर भी नाकस हो सकता है वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करके हौसला अफजाई ज़रूर कीजिए और ऐसी मालूमी वीडियोज़ देखने के लिए चैनल के साथ मुंसलिक रहें वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया जजाकला